डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो हम ये क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो क्रॉप प्रोडक्शन में हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ लिया है, इरिगेशन मेथड पढ़ लिए, और अब हम क्या पढ़ेंगे? हमारा क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर हम बात करेंगे एक ही फील्ड में एक ही बार एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो करवाते रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज वही जो क्रॉप होती है, इमेजिन करो हमारे पास ये क्या है, फील्ड है, हम एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करवाए जा रहे हैं, बीच में क्या हमें वीट है, वो भी सर्दी के रीज़न में, बाकी हमारा फील्ड भी खेत खाली रहता है, या हर बार हम मतलब रबी खरीफ में भी वही क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं और रबी में भी वही क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं, तो वो वीट है, वीट किसके ऊपर डिपेंड करे? जैसे न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंड है, तो कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट्स को लेती रहेगी, तो धीरे धीरे वो न्यूट्रिएंट सॉइल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है बेटा, अगर एक तरह के इमेजिन करो कोई पेस्ट है, कोई इंसेक्ट आ जाता है जो वीट को ही खाएगा, तो सारी वीट को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट सीजन में आप वीट के क्रॉप को करवाते तो ऑलरेडी इसको पहले ही फूड मिल जाता है दोबारा से, तो क्रॉप क्या हो जाती है, फेल हो जाएगी। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि फेलियर ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, अगर बारिश का मौसम नहीं आएगा, जो बारिश के ऊपर डिपेंड हम वही क्रॉप बार बार ग्रो करवा रहे हैं और उसे रेन वाटर चाहिए होता है, हाई इरीगेशन में चाहिए होता है, अगर उसे हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारे क्रॉप क्या हो जाएगी, ग्रो नहीं करेगी। तो फेलियर ऑफ क्रॉप से बचाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटीज को बचाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या अपनाया गया है? क्रॉपिंग पैटर्न अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाया गया है। तो क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ही आता है, जहाँ पर इन अ सुइटेबल मैनर, जहाँ मैनर के साथ में, विद अ मैनर के साथ में हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करवाएंगे। बेटा क्या करवाते हैं? क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। तो इस क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर तीन टाइप्स आ जाती है। कितनी टाइप्स आ जाएंगी? तीन टाइप। पहली टाइप क्या आ जाएगी? मिक्स्ड क्रॉपिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? इंटर क्रॉपिंग आ जाएगा। बेटा क्या आ जाता है? इंटर क्रॉपिंग आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाता है? क्रॉप रोटेशन। आपने सारे बच्चों ने ये चीज़ें पढ़ भी रखी होगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग अर्लियर मेथड है क्रॉपिंग पैटर्न का, जो सबसे पुराना मेथड है वो कौन सा आता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। हाउएवर अभी इसको नहीं यूज़ किया जाता, बट अगर हम बात करेंगे कुछ ऐसी जगह पे जहाँ फार्मर के पास में लिमिटेड जगह होती है, और प्लस अगर हम बात करेंगे जहाँ पर कि बारिश के मौसम पे ही इरिगेशन की और कोई साधन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर मिक्स्ड क्रॉपिंग को या इंटर क्रॉपिंग को यूज़ अभी भी कर लेते हैं। बट अगर हम मोस्टली आज की डेट में बात करेंगे तो क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है बेटा? क्रॉप रोटेशन को अपनाया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ मोर देन टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। Growing of two or, दो भी कर सकते हैं, और more than two types of crops in a same field, in a mixing manner। किसके अंदर करवा देते हैं बेटा? Mixing manner के अंदर करवा देते हैं। वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाई जाती है। इंटर क्रॉपिंग में भी हम मोर देन टू क्रॉप ही लेते हैं, तो ये भी हमारे पास सेम हो जाती है। Growing of two और मोर देन टू टाइप ऑफ क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड इन अ रेगुलर मैनर। किसके अंदर करवाई जाती है? रेगुलर मैनर में हम करवाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मतलब पैटर्न के अंदर हम ग्रो करवा रहे हैं, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? इंटर क्रॉपिंग। और मिक्स क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। और क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, हम मोर नहीं कहेंगे यहाँ, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, या इसे अगर हम बात करेंगे, और इन अ अल्टरनेट मैनर
मैनर के अंदर वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, क्रॉप रोटेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड में क्या लिए जाते हैं, ये हमारे पास में फील्ड हो गया बेटा। ओके, हमें क्या करना है, जैसे कि रबी की एक साथ हमने ले लिए व्हीट है, मस्टर्ड ले लेते हैं, या व्हीट के साथ हम क्या भी ले लेते हैं बेटा, पीजन पी भी ले लेते हैं, जो हमारे पास चने होते हैं वो भी हम ले लेते हैं, कोई भी, या हम किसी का भी मिक्स ले सकते हैं। लेकिन मिक्स ऐसी लेते हैं कि उनमें हम मोस्टली एक क्रॉप जो चूज़ करते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट को चूज़ करेंगे बेटा। क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी चूज़ फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन, वी चूज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट। एक क्रॉप के साथ हमेशा क्या ली जाती है, लेग्यूमिनस क्रॉप, क्योंकि लेग्यूमिनस क्या कर देती है बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करवाएगी। नाइट्रोजन को फिक्स करवाती है तो उसके अंदर क्या होता है, हमें फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करने की ज़रूरत कम पड़ती है, ये याद रखना है, ठीक है बेटा। तो हम कोई भी क्रॉप को ले सकते हैं, आपको एग्जाम्पल थोड़े एक दो याद रख, मोस्टली यही हम व्हीट है, व्हीट के साथ या तो हम मस्टर्ड को ग्रो करवा देते हैं, व्हीट है, या व्हीट के साथ अगर हम बात करेंगे तो क्या कर देते हैं बेटा, पीजन पी। ओके, अगर हम बात करेंगे तो मेज है, मेज के साथ हम क्या ले लेते हैं, ग्राउंड नट ले लेते हैं। तो इन दोनों क्रॉप्स को जो भी हम क्रॉप करवाएंगे, करो कैसे करवाएंगे हम, देखो बेटा हम सीड ले लेते हैं, सीड को मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग में क्या बेटा, मिक्सिंग में इमेजिन करना, मैंने व्हीट एंड मस्टर्ड लिया है, मैंने उनके सीड मिक्स कर दिए, मैंने उनको ग्रो करवाया, कोई मस्टर्ड का आ गया, कोई व्हीट का आ गया है, ठीक है बेटा। इस तरह से ये क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉप के अंदर हमने क्या कही ना, पैटर्न के अंदर, यही क्रॉप अगर हम सेम यूज़ करेंगे तो हमने व्हीट को तो रो के अंदर, पहले हमने ओनली व्हीट के सीड्स लिए हैं, उन्हें हमने जर्मिनेट, उन्हें हमने क्या कर दिया, प्लफिंग, हमने सॉइंग कर दिया उनको, ठीक है। उसके बाद हमने दो रो हमने व्हीट की कर दी है, और दो रो हमने किसकी कर दी है, मस्टर्ड की कर दी है। ये जरूरी है कि हम एक रो करेंगे दो रो इसकी कर देंगे, इंटरक्रॉपिंग किसी की भी कर सकते हैं, बट इन अ रेगुलर मैनर के अंदर है। किसके अंदर है बेटा, इन अ रेगुलर मैनर के अंदर है। ये किसके अंदर आ गया, मिक्सिंग आ गया, मिक्स्ड हो गए, ये किसके अंदर आ गया है, इन अ रेगुलर मैनर के अंदर आ गया, पैटर्न के अंदर आ गया, रो के अंदर आ गया, उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग। तो ग्रोइंग ऑफ द टू और मोर देन टू टाइप ऑफ द क्रॉप इन अ सेम फील्ड इन अ मिक्सिंग मैनर, सीड को मिक्स कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। एंड इंटरक्रॉपिंग के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, वही सेम टू सेम है, बट हम क्या कह रहे हैं, इन अ पैटर्न के अंदर हम ग्रो करवाएंगे, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, इंटरक्रॉपिंग कहलाई जाती है। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो क्रॉप नहीं ग्रो करवाई जाती है, ठीक है। अगर इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर हम बात करते हैं बेटा, तुमसे डिफरेंस पूछ लेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। इसमें तो हम क्या करते हैं बेटा, मिक्सिंग मैनर में करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैटर्न के अंदर करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे इनके अंदर, सबसे पहले दोनों के हम क्राइटेरिया चूज करते बेटा, कि हमने इस एक यहाँ पे दो क्रॉप को एक साथ ग्रो करवाया जा रहा है, ज़्यादा भी ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन हम दो तो पर्टिकुलर ले ही रहे हैं। तो हम क्राइटेरिया फॉर मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग, क्राइटेरिया फॉर मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग के लिए हम क्या चूज़ करते हैं, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है भाई, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी हम दो क्रॉप ले रहे हैं उनका हार्वेस्टिंग पीरियड शुड बी डिफरेंट, हार्वेस्टिंग पीरियड शुड बी डिफरेंट। जनरली मिक्स्ड के अंदर अगर हमारा यहाँ पे हार्वेस्टिंग पीरियड एक ही जैसा रहेगा, पक जाएगी, तो जब हम बात करेंगे उनको हार्वेस्ट करने की तो उसमें दिक्कत आएगी, दो हमें कहीं से लेके आनी पड़ेगी, दो हमें कहीं से इकट्ठी करनी पड़ेगी, ऐसे एक रो हमें किसकी इकट्ठी करनी पड़ेगी साथ साथ में कंटिन्यूस, तो क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे। तो हार्वेस्टिंग पीरियड दोनों का अलग, कि एक पक गई तो पहले उनको एक को काट ले आराम से, फिर दूसरी पक जाएगी तो हम दूसरा उसे कट कर लेते हैं। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट वैल्यू शुड बी डिफरेंट, न्यूट्रिएंट वैल्यू शुड बी डिफरेंट। जब हम जो फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं, किसी को तो कम फर्टिलाइजर चाहिए होगा, किसी को ज़्यादा फर्टिलाइजर हमें ऐसे करना है। अगर आप एक ही जैसा कर लेंगे, सबको बराबर ही चाहिएगी, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे कि कंपटीशन हो सकता है बराबर के लिए। फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ हमेशा एक लेग्यूमिनस फैमिली को ग्रो करेंगे, तो हमें फर्टिलाइजर ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कम स्प्रे करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट ऑल्सो शुड बी डिफरेंट। क्योंकि अगर एक क्रॉप को अगर हम पानी डालेंगे तो कोई तो क्रॉप जो ज़्यादा पानी लेगी,
ठीक है, वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, जो नहीं लेगी वो अलग। तो यहाँ पे एक इस तरह से क्रॉप को चूज करते कि एक क्रॉप को कम, कि एक क्रॉप को तो नॉर्मल पानी मिलता रहे और एक क्रॉप के अंदर जो रूट होते हैं वो डीप सीटेड हो, अंदर से पानी ले आए, और एक क्या होते हैं शैलो। इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, ये चूज करते हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। तो ये देयर आर सम कंडीशन, दोनों का पकने का टाइम अलग अलग होना चाहिए, न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हम क्या करते हैं, इनके अंदर क्राइटेरिया कुछ कंडीशंस चूज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस चूज करेंगे। एंड वन क्रॉप शुड बी टेकन एज अ लेग्यूमिनस, ये याद रखना बेटा, कौन सी क्रॉप लेते हैं इसके अंदर लेग्यूमिनस, एंड लेग्यूमिनस इन्हें क्या कर देगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगा, उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, तुम्हें फर्टिलाइजर वहाँ कम स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर हम इन दोनों के एडवांटेज बताएं, पहले एडवांटेज तो क्या हो गया, मोर देन वन टाइप ऑफ अ क्रॉप वी ऑब्टेन, मोर देन वन टाइप ऑफ अ क्रॉप इन अ सेम टाइम, एक ही टाइम में हम एक से ज़्यादा क्रॉप को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमने यील्ड भी बढ़ा दी है, ठीक है, और इनकम सोर्स भी क्या कर देता है यहाँ पे, ये इंक्रीज कर देगा। ओके बेटा, क्लियर सारे बच्चों को? जहाँ पे जो किससे फेलियर से बचाता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ द क्रॉप, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम फेलियर ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप को फेल होने से बचाएगा। इमेजिन करना, हमने मिक्स क्रॉपिंग के अंदर लगाई है, वीट है, मस्टर्ड है, जो भी है, अब यहाँ पे वीट को खाने वाला पेस्ट आ जाता है, वीट को खाने वाला पेस्ट, तो वो वीट को ही खाता है, मस्टर्ड को नहीं खाते, इनके अंदर कैपेबिलिटी ऐसे ही होती है। ऐसा ही नेचर ने बनाया कि जो मोस्टली पेस्ट होते हैं एक ही तरह की क्रॉप को खा रहे हैं। तो दूसरी तो अगर हमने अल्ट्री इस तरह से क्रॉप लगाई, अगर वो पेस्ट को आ गया, पेस्ट आ गया भाई, वो वीट, तो वो वीट को ही खाएंगे, तो हमारी एक क्रॉप क्या हो जाती है, बच जाती है, एक क्रॉप क्या हो जाती है, बच जाती है। हमने इस क्रॉप के अंदर, जो मिक्सिंग क्रॉप के अंदर ऐसी क्रॉप को ग्रो करवाया हुआ है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है और किसी को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी है, हमने अलग अलग हम वो वाटर कैपेसिटी ले रहे हैं। अगर बारिश अच्छी आ गई तो दोनों क्रॉप ग्रो हो जाएंगी, अगर 1% बारिश अच्छी नहीं आई है तो क्या होगा, जिसको क्रॉप को कम पानी की रिक्वायरमेंट थी वो हमारी क्या रह जाएगी, सेफ रह जाएगी। तो इस तरह से क्या बचाती बेटा, ये क्रॉपिंग फेलियर से बचाएगी, और किससे बचाएगी, एक ही टाइम पे हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स को भी ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? अब हमारे पास में क्या आ जाता है, क्रॉप रोटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, क्रॉप रोटेशन आ जाता है। हम हमारे आसपास में आपने देखते हो, जो हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न ग्रो करवाया जाता है वो क्या होता है बेटा, हमारे पास में क्रॉप रोटेशन होता है। क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ क्रॉप, ठीक है, इन अ अल्टरनेट मैनर, इन अ प्री प्लान सक्सेशन। तो एक ही खेत में हम ग्रो तो एक से ज़्यादा ही ग्रो करवा रहे हैं, मान के करना कि हमने इस बार, ये गर्मी का सीजन चल रहा है, हमने हमारे खेत के अंदर क्या ग्रो करवा दिया है, ये मिलेट बाजरा करवा दिया है। क्या ग्रो करवा दिया, बाजरा। तो इस सीजन में हमने सारा क्या करवा दिया है, मिलेट ग्रो करवा दिया है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम नहीं आती, हार्वेस्ट, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज रहती है, उनके अंदर हार्वेस्टिंग करने के अंदर दिक्कत आती है, कलेक्शन करने के अंदर दिक्कत आती है, फर्टिलाइजर किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो उन स्प्रे करने में भी क्या आती है बेटा, प्रॉब्लम आ जाती है। बट इसके अंदर हमें एक ही तरह की क्रॉप एक ही फील्ड में ग्रो करवा रहे, बट इन अल्टरनेट मैनर में ग्रो करवाएंगे। हमने यहाँ पे क्या ग्रो करवा दिया, सारे के सारे अंदर मिलेट ग्रो करवा दिया, करवा दिया। अब इससे क्या होगा, मिलेट हमने ग्रो करवा दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब सर्दी आई, कौन सी क्रॉप होती है बेटा, खरीफ क्रॉप होती है, जब सर्दी का मौसम आया तो हमने यहाँ पे क्या ग्रो करवा दिया, इसी फील्ड के अंदर वीट ग्रो करवा दिया है। क्या ग्रो करवा दिया, इसके अंदर हमने वीट ग्रो करवा दिया है। तो हार्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरह का न्यूट्रेंट है, तो न्यूट्रेंट सप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? अगर ये पेस्ट से, ये भी पेस्ट से बचाएगा, ये नहीं कि अब की बार अगर वीट को खाने वाला था तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या करवा दिया, बाजरा करवा दिया, तो बाजरा इसको, बाजरे को वो खा नहीं सकता, नहीं खा सकता, तो पेस्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो एक क्रॉप तुम्हारी ख़राब हो जाएगी पूरी, कोई नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्रॉप खराब होने से बच जाएगी, क्योंकि हम कौन सी क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं, दूसरी क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं। और मोस्टली हमने क्या कहा, हम एक सीजन पर हमेशा क्या ले रहे हैं, लेग्यूमिनस ले रहे हैं, मक्का,
ठीक है, ये भी क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करवा देती है। हम मोस्टली दाल जो ग्रो करवा रहे हैं तो ग्राउंड नट है या कोई भी दाल के लिए हम जो भी ग्रो करवा रहे हैं ये नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। हमने एक बार लेग्यूमिनस फैमिली को ग्रो करवा दिया है तो अब इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट टाइम हम कोई भी क्रॉप को ग्रो करवाएंगे तब हमें फर्टिलाइजर स्प्रे करने की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसे हम क्या नाम देंगे बेटा, क्रॉप रोटेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसे, हम क्रॉप रोटेशन नाम देते हैं। अब इसको हम वन ईयर रोटेशन में कह, भाई एक साल के अंदर दोबारा उसका नंबर आना, वन ईयर रोटेशन में कर लेते हैं, या हम क्या कर लेते हैं टू ईयर रोटेशन कर देते हैं, या कहीं कहीं जगह पे तो क्या कर देते हैं थ्री ईयर रोटेशन कि तीन साल बाद नंबर आएगा। वन ईयर रोटेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे क्या होता है बेटा, वन जैसे अब की बार मैंने आपको बताया मैंने क्या करवा दिया, अब की बार मिलेट बाजरा करवा दिया, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में मैंने क्या ग्रो करवा दिया, यहाँ पे वीट ग्रो करवा दिया, ओके बेटा। फिर दोबारा गर्मी का मौसम आया, दोबारा से मैंने क्या ग्रो करवा दिया, बाजरा। तो ये जो हमने क्या एक साल के बाद दोबारा से नंबर आना उसे हम क्या कहेंगे, वन ईयर रोटेशन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे उसे, हम वन ईयर रोटेशन कहेंगे। दो साल में नंबर आना, अब की बार मैंने क्या करवाया है, बाजरा करवाया, मिलेट करवा दिया, करवा दिया ना मिलेट, जैसे पानी आप ये है मिलेट कर। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में क्या ग्रो करवा दिया, वीट। सर्दी का मौसम आया तो क्या ग्रो करवा दिया, वीट। अब दोबारा से जब खरीफ का क्रॉप ग्रो करवाएंगे तो हम बाजरा ग्रो ना करवा के वहाँ पे हम क्या ग्रो करवा देते हैं बेटा, मक्का ग्रो करवा देते हैं, मेज को ग्रो करवा दिया है, ठीक है। और अब दोबारा जब सर्दी आएगी तो वहाँ गेहूं का ग्रो ना करवा के क्या ग्रो करवा देते हैं, हम मस्टर्ड ग्रो करवा देंगे। तो ऐसे ईयर रोटेशन को हम क्या कहेंगे, टू ईयर रोटेशन। क्या कहेंगे, टू ईयर। ऐसे काफ़ी जगह थ्री ईयर, बीच में ग्राउंडनट, तो चेंज करते रहते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, पेस्ट को दोबारा खाने के लिए अपनी क्रॉप नहीं मिलती है, तो वो भी क्या रहती रहेगी बेटा, सेफ रहेगी। आगे बात समझ, वन ईयर रोटेशन मतलब एक के बाद दोबारा से आ जाना। आपने क्या ग्रो करवाई है, मिलेट ग्रो करवाई है, फिर आपने क्या ग्रो करवा दिया, वीट। दोबारा से आप कौन सी क्रॉप आ जाएगी, मिलेट। तो एक साल के अंदर नंबर आना, मिलेट ग्रो करवाई, वीट ग्रो करवाई, देन आपने मेज ग्रो करवा दिया, देन आपने वीट ग्रो करवा दिया, फिर दोबारा किसका नंबर आएगा, मिलेट। तो दो साल में नंबर आ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, टू ईयर रोटेशन कह रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो ये हमने क्या कहा, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात की है बेटा। किसके बारे में बात की है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात की है। बस क्रॉपिंग पैटर्न में या तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, या डिफरेंस पूछते हैं बेटा। मेनली क्या पूछते हैं इनके अंदर, डिफरेंस पूछेंगे। क्या डिफरेंस पूछते हैं, मोस्टली जो डिफरेंस पूछते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग के अंदर डिफरेंस बताओ। क्या बताओ बेटा, मिक्स्ड एंड इंटर, क्योंकि एक जैसी सी है ये। मिक्स्ड में हम क्या कहेंगे, मिक्सिंग करवाई जाती है। इसके अंदर किसके अंदर करवाई जाएगी, रॉ के अंदर करवाई जाएगी पैटर्न में। इसमें सीड्स आर मिक्स्ड बिफोर सोइंग, और इसके अंदर हम सीड को मिक्स नहीं करवाते, ना रॉ के अंदर हम करवाएंगे। इसके अंदर जो हार्वेस्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दो कहीं होंगे, इसमें हार्वेस्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है बेटा। इसके ये आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर याद रखना है, फिर एग्जाम्पल दे देना है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड एंड इंटर क्रॉपिंग कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, मिक्स्ड एंड इंटर क्रॉपिंग। इसको अपनी बुक में से पढ़ना, आपने पढ़ा हुआ, आप इसके बारे में जानते हैं, बस आपको एक ये दो एग्जाम्पल याद रख लेने हैं। और मेन आपको जो इसके साथ याद रखनी है कि हम कौन सी क्रॉप जरूर लेते हैं इसके साथ में, लेग्यूमिनस, और लेग्यूमिनस प्लांट को हम क्यों ले रहे हैं, टू फिक्स द नाइट्रोजन। किसके लिए लेते हैं बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न तीन पढ़ लिए। रिवीजन अगर हम बात करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड मतलब मिक्सिंग मैनर, इंटर क्रॉपिंग मतलब रॉ के अंदर, और क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होगा, इन अल्टरनेट, ठीक है, इन अ प्री प्लांट सक्सेसन। हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कौन सी क्रॉप वहाँ पे ग्रो करवानी है, ठीक है। इस तरह से भी क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल होने से बच जाएगी, फेल होने से बच जाती है क्रॉप। और अगर हम बात करें तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रह रही है तो भी प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होती ही होती है, ठीक है, ओके।